और चलाने से पहले मुझे ब्रेक सिस्टम बता दो, ब्रेक कैसे लगाना है। ये बस ओनली अपन को ब्रेक मारने पड़ते हैं भाई, देखिए वैसे ही आगे का ब्रेक है, इस तरीके से देख लो कि आपको ब्रेक रुक जाए, रुक जाए। इसको इधर उधर मोड़ना रोकना तो मैंने सीख ही लिया है, और कितनी अच्छी वॉक चल रही है। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, मैं आपका दोस्त तुषार लेके आपके सामने नए दिन के साथ में नया वीडियो। गाइज जो मेरा आज का वीडियो है उसमें मैं आपको हॉर्स राइडिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि हम किस तरीके से हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, करियर किस तरीके से हॉर्स राइडिंग में हम बना सकते हैं, और थोड़ा इसमें आपको मैं घोड़ा चलाना भी सिखाऊंगा क्योंकि मैं खुद चलाऊंगा और भैया जो है हमारे दर्शन भैया वो मुझे घोड़ा चलाना थोड़ा सिखाने वाले हैं। तो किस तरीके से घोड़ा चलाते हैं, आगे पीछे करते हैं, इसमें मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देने वाला हूँ, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और जो यहाँ की जो फीस वगैरह स्ट्रक्चर है वो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, और अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो मैं जो इस एकेडमी का नंबर है और लोकेशन है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ के जो ओनर हैं हमारे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, गजेंद्र जी नाम है उनका। और इस एकेडमी का नाम है द लीजेंड हॉर्स राइडिंग एकेडमी, और ये जयपुर से थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा आगे है, मतलब नायला की तरफ है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है सिटी से, तो आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है हॉर्स राइडिंग की, मैंने खुद चलाया है तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो शूट करके लेके आता हूँ। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं हॉर्स राइडिंग की, इसमें कौन कौन से गेम होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं और हम करियर कैसे बना सकते हैं, इनकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम आपको घोड़ा चलाना सिखाएंगे इसमें थोड़ा सा देखो चलाने वाला। चलिए तो गाइस आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं द लीजेंड हॉर्स राइडिंग एकेडमी के ओनर गजेंद्र सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भैया ये हमारे दर्शन भैया हैं, ये भी हमारे राइडर हैं बहुत अच्छे, काफ़ी सारे इन्होंने टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, तो आज इन दोनों से हम थोड़ी हॉर्स राइडिंग की जानकारी लेने वाले हैं, और जो ये एकेडमी है यहाँ की हम थोड़ी जानकारी लेने वाले हैं कि हम कैसे एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर कोई इस एकेडमी में कोई बिगनर आना चाह रहा है आपके पास, तो उसकी क्या प्रोसेस है, वो किस तरीके से यहाँ पे आ सकता है, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकता है वो, और किस तरीके से घुड़सवारी सीख सकता है वो? बेसिकली हमने जो अभी जो प्रायोरिटी रखी है ये बिगनर्स के लिए ही रखी है जी। राजा पार्क आके या हमारे जो नंबर है 9351045415 जी, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अगर चाहें कि ट्रायल के आप एक या दो दिन चाह रहे हैं तो आप ट्रायल बेसिस पे पर डे के हिसाब से वो भी आ सकते हैं जी। तो बेसिकली बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा है अगर वो शुरुआत करना चाह रहे हैं तो इस तरह से जी आप कर सकते हैं। तो दर्शन भैया अगर आपसे मैं पूछूं कि हॉर्स राइडिंग में क्या स्कोप है, क्या हमारा करियर सुरक्षित है अगर कोई घुड़सवारी सीखना चाह रहा है तो? हाँ सुरक्षित है जी, इसके अंदर अपन अपना जो ड्रीम होता है ड्रीम भी अपन पूरा कर सकते हैं अपना, ये जिसको रहता है अपने का अपन मेडल वेडल मारेंगे तो अपने वो ये सरकारी नौकरी के लिए रहेगा जी, अपन वही सरकारी नौकरी भी लग सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोप है। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा रहता है कि हाँ अगर वो परचेज कर लेता है घोड़ा, और हाई फैमिली के ही करते हैं ऐसे तो जो जिनके पास में रहता है बैकअप जी वही कर सकते हैं, मिडिल क्लास फैमिली को तो ये क्या है कि जैसे गेम्स वगैरह के अंदर लीन्स पे लेके हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है जी। Yeah. तो इसमें जैसे ओलंपिक्स में भी इवेंट होते होंगे हॉर्स राइडिंग में? हाँ होते हैं। तो कौन कौन से इवेंट होते हैं ओलंपिक? ओलंपिक में शो जंपिंग होते हैं, ड्रेसाज होते हैं, क्रॉस कंट्री होते हैं, कई ऐसे गेम्स होते हैं जो ओलंपिक के अंदर होते हैं जी। और जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को लगनी है स्पोर्ट्स कोटे से, तो उसमें क्या सेट वो होनी चाहिए हमारे? अपने नेशनल का मेडल होना चाहिए सिंपल, जैसे अदर गेम के अंदर होता है जी। जैसे जिस तरीके से अदर गेम होते हैं जैसे स्टेट खेलने के बाद नेशनल होना चाहिए और नेशनल में मेडल होना चाहिए, तो स्पोर्ट्स कोटे में हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हमारे हॉर्स राइडिंग में भी वही सिस्टम है। तो गजेंद्र जी सर हमें ये बताइए कि आपकी जो अकेडमी है इसकी फीस कितनी आपने रखी हुई है? अभी तो बहुत मिनिमम रखी है हमने जी, ताकि जो बिगनर है उनको एक मौका मिल सके। पर डे हमने यहाँ 500 चार्ज रखा है जी, और कोई अगर मंथली ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए 4000 है जी। तो ये बहुत बेसिक फीस है जिसमें जो मिडिल क्लास के लोग हैं जो एक्चुअल में स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाह रहे हैं राइडिंग के थ्रू जी, उनके लिए भी एक अच्छा बेस मिल जाएगा जी। क्योंकि जैसे हॉर्सेज जो है वो तो हम यहाँ अवेलेबल कराएंगे जी, और स्पोर्ट्स के लिए भी है तो उनके लिए सारी फैसिलिटीज कोशिश करेंगे जितना दे पाए जी। तो मच बेटर है कि लोग एक इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सके खेल सके जी, तो ये सारा रहेगा। तो आप अपनी एकेडमी मिनिमम कितनी एज वाले बच्चों को लेते हैं? कम से कम 10-12 साल का बच्चा हो जी, ताकि वो खुद के लिए भी थोड़ा ध्यान रख सके और घोड़े को भी समझ सके जी। बहुत छोटे बच्चे अभी हम इसको नहीं आपको प्रायोरिटी बेस पे कहेंगे कि भाई आप
तरह से इनिशिएट करें जी। लेकिन 10-12 साल का बच्चा आराम से राइडिंग सीख सकता है। और अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो वो आपके हाथ पैर में कितनी जान है। अच्छा अच्छा बिल्कुल, क्योंकि घोड़े एक्चुअल में क्या है, प्रेम से चलते हैं और इशारों से चलते हैं। जी जी जी। तो अगर आपको समझ है और आपको लगाव है तो भली आप एज अगर ज़्यादा भी है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स में भी इसके एज बैरियर नहीं है इतने जी। तो ये है फ़ायदा ही है आपके लिए। और दर्शन भैया आप बताइए कि जैसे मान लीजिए इसमें हॉर्स राइडिंग में हाइट का कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी हाइट काफ़ी 6'2" के हैं भैया, तो इसमें कितना मैटर करती है हाइट? हाइट डज नॉट मैटर, क्योंकि ऐसा होता है कि हाइट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है जी, बट इतनी नहीं होती, क्योंकि क्या उसके अंदर हॉर्स राइडिंग में हॉर्स के हिसाब से मिलता है मतलब हाइट वालों को। जैसे मेरी 6'2" है जी, तो उसके अंदर मेरे को वॉमलेट ब्रेड का घोड़ा मेरे को सूट करेगा, क्योंकि इसमें हैवी मसल होती है और घोड़ा बहुत बड़ा होता है जी। और जैसे नॉर्मल हाइट, जैसे आपकी हाइट बिल्कुल सही है, तो आप जैसे सौरभ ब्रेड जैसी हैं जिस पर आप राइडिंग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बिगिनर मतलब कितने दिनों में घोड़ा चलाना सीख सकता है? मिनिमम 3 मंथ। 3 मंथ। और नेशनल कब तक खेल सकते हैं, कितना मतलब एक टाइम? नेशनल तो आपको एक साल पूरा अच्छे से बेसिक वगैरह, जिसके पूरा आगे का जंपिंग वगैरह, आप कौन सा गेम खेलना चाहते हो उसके अंदर आपको क्या एक साल मेहनत करनी पड़ेगी जी, फिर आप जाके नेशनल मेडल मार सकते। तो सर एक चीज़ मैं ये बताइए कि जैसे अदर गेम होते हैं उसमें फिजिकल फिट होने के लिए हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जी, तो हॉर्स राइडिंग में भी क्या हमें कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी होती है क्या? हाँ, हम फिट रहने के लिए आप घोड़े के साथ जैसे जो रेगुलरली आप उसका खुद काम कर रहे हैं जी, तो अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है जी। और उसके बाद जैसे स्विमिंग है वैसा ही राइडिंग भी है, कि आपका पूरा जो वर्कआउट है वो आपके काम के साथ जुड़ा हुआ है जी। अगर आप राइड कर रहे हो तो घोड़े के साथ साथ आप अपनी मसल्स पे भी काम कर रहे हो जी। स्पेशली आप अगर अलग से कुछ टाइम देना चाह रहे हो तो आप जैसे अपने रनिंग वगैरह है या वेट कंट्रोल पे थोड़ा सा रख सकते हैं, और राइडिंग ही भी आपको वैसे ही फिट रखेगी जी। तो ये मच बेटर है कि आप इसको करें और फिट रहें। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा था, जैसे मान लीजिए कोई हॉर्स राइडिंग सीखना चाह रहा है तो उसको क्या अपना पर्सनल घोड़ा खरीदना पड़ेगा? जिस टूर्नामेंट में भी कहीं नेशनल खेलने जा रहे हैं तो क्या पर्सनल घोड़ा होना चाहिए? ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं जी, और लगता है कि हाँ हमारा चांस है कि हम कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं मेडल का है, तो आप पर्सनल रखोगे तो ये अच्छा है कि आपकी ट्यूनिंग कैसी है। अदरवाइज जो बिगनर्स हैं जो इनिशियली कर रहे हैं उनके लिए ये रहता है कि हम यहाँ से जो घोड़े हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, करवा देते हैं बिल्कुल। क्योंकि इनिशियली आपको इतना बड़ा परचेज करना, इतनी बड़ी डील करना, वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि घोड़े काफ़ी महंगे आते हैं, लगभग 15-20 लाख के घोड़े आते हैं। बिल्कुल आते हैं जी। तो अगर आप यहाँ भी आ रहे हैं तो यहीं से जो सर हैं वो अपने घोड़े आपको प्रोवाइड करवा देंगे नेशनल वगैरह खेलने के लिए। सर एक चीज़ मुझे और ये बताइए कि जैसे कोई बिगनर अगर आपके पास आ रहा है तो उसको हम आप डायरेक्ट घोड़े पे बैठा के ट्रेनिंग देते हैं, और अदर कुछ ट्रेनिंग वगैरह उसकी बेसिक कुछ होता है? बेसिकली हर गेम का एक फंडामेंटल होता है कि आप हम अगर सोचें पहले दिन मैं ग्राउंड में उतरूँ और कोई फास्ट बॉलर आए और मैं सिक्स दूँ जी, तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली इसके लिए आपको कुछ चीज़ें सीखनी होती है, और राइडिंग में तो एक कॉम्बिनेशन है जी, क्योंकि ये भी एक लाइव चीज़ है, आप भी लाइव हैं जी, तो दोनों के अपने अपने दिमाग काम करते हैं जी। राइडिंग के लिए सबसे पहले आपको घोड़े को समझना होगा, उसकी कुछ आदतें होगी, उसका कुछ तरीका होगा, कुछ तरीके वो आपके समझेगा जी, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बैठता है। शुरुआत में आप उसको साथ में रहते हो, चलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, तो आपकी बॉन्डिंग बनेगी जी। देन फिर आप राइडिंग के लिए उसके ऊपर धीरे धीरे माउंट होते हो तो उस चीज़ को वो भी एक्सेप्ट करता है जी। अदरवाइज आपका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा तो हो सकता है कुछ परेशान करे, थोड़ा सा आगे पीछे हो, कहीं गिर भी जाए जी, वो थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी पड़ती है। और हॉर्स राइडिंग करते हैं तो इसमें तो गिरना तो लाजमी है जब तक गिरेंगे नहीं, जब तक अच्छे राइडर बनते भी नहीं है। तो गिरेगा नहीं वो अच्छा राइडर बनेगा भी नहीं। तो दर्शन भैया एक मुझे एक चीज़ और बताइए, आप जैसे एक अच्छा राइडर बनने के लिए हमें कितने घंटे मिनिमम प्रैक्टिस करनी होगी? अच्छा राइडर बनने के लिए घंटों की नहीं, एक मतलब अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए, अपना जुनून होना चाहिए उसको सीखने के लिए जी। बस नहीं सीखने पे आप एक महीने के अंदर सीख सकते हो, बस और बात नहीं। बाकी का राइडिंग बेसिक होती है, राइडिंग जैसे एक घंटे की 2 घंटे की राइडिंग होती है जी, उससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये क्या जानवर है, लाइव है, थकते हैं। तो वैसे आपकी नज़र में अच्छी ब्रीड का घोड़ा कौन सा होता है सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट ऑलमोस्ट लोग जो खरीदते हैं गेम्स के अंदर वो थोरो ब्रीड होते हैं जी, और थोरो ही चलते हैं। और जैसे अपने को लगता है कि थोड़ा बड़े हैं, लेवल बड़ा है, जो हाई फाई फैमिली वाले हैं जी, जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, तो वो वॉमलेट घोड़े परचेज करते हैं जी।
तो सर आप हमें एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपकी एकेडमी में किस किस इवेंट की ट्रेनिंग दी जाती है? अपने यहाँ पे हम बेसिक हॉर्स राइडिंग दे रहे हैं और उसके अलावा इसे भी डाल देना क्या पता लगना चाहिए राइडिंग तो अपना क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। तो सर बताइए कि आपकी एकेडमी में कौन कौन सी ट्रेनिंग मतलब इवेंट की ट्रेनिंग दी जाती है? बेसिक हॉर्स राइडिंग हो गई, उसके अलावा जैसे ड्रेसाज हो गया, शो जंपिंग हो गई, टेंट पैकिंग है, इस तरह से सारे इवेंट हम करवाएंगे जी, यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। तो गाइज ये तो थी एकेडमी के बारे में और थोड़ी हॉर्स राइडिंग के बारे में बेसिक जानकारी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ घोड़ा चलाकर, क्योंकि मैं खुद भी एक बिगनर हूँ, मैंने आज तक घोड़े पे बैठा नहीं हूँ, किस तरीके से घोड़ा चला सकते हैं वो मेरे को भैया बताने वाले हैं और भैया सिखाने वाले हैं थोड़ा बहुत, किस तरीके से घोड़ा आगे करते हैं, किस तरीके से पीछे करते हैं। और एक चीज़ और मैं भैया से पूछूंगा कि इसमें जो किट होती है ना वो कौन कौन सी होती है और उसका यूज़ कैसे होता है। तो भैया थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दो रहा कि मतलब किट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या किट होती है? सर किट के लिए तो ऐसा है कि अपने बूट होते हैं जी, तो अपन जैसे ये जो बूट्स हैं तो आप ये शॉर्ट बूट्स हैं जी, तो आप शॉर्ट बूट्स भी पहन सकते हो। और वैसे जो प्रॉपर राइडिंग के जो बूट्स आते हैं वो लॉन्ग बूट्स आते हैं जी, वो आपकी नी तक रहते हैं जी, तो लॉन्ग बूट्स आते हैं। ब्रिटिश होती है जो 1000 रुपीज के तक आती है वो जी, और आप ऊपर तो कुछ भी पहन लो। और हेलमेट कंपलसरी होता है, हेलमेट कंपलसरी होता है क्योंकि हॉर्स पे से गिर भी जाते हैं कई बार राइडिंग करके, गिर जाते हैं तो कंपलसरी हेलमेट कंपलसरी होता है जी जी। तो चलिए ये तो थी थोड़ी सी ड्रेस के बारे में जानकारी, अब हम चला के दिखाते हैं घोड़ा, वहां से पकड़ो उधर तो भैया मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इसको हल्का हल्का किस तरीके से आगे चलाते हैं हल्का, और चलाने से पहले मुझे ब्रेक सिस्टम बता दो, ब्रेक कैसे लगाते हैं? ये बस ओनली अपन को जैसे ब्रेक मारने पड़ते हैं बाइक के, वैसे ही आगे का ब्रेक है एक तरीके से, देख लो कि आपको खींचना है जी धीरे, और ये रुक जाएगा ठीक है। आपको हल्का सा प्रेस करना है, बस हल्का सा, थोड़ा सा उसको थोड़ा लूज दे दो जी, और हल्का सा प्रेस करना है, घोड़ा अपने आप आगे बढ़ेगा। गियर लगाना है आपको फर्स्ट प्रेस, अच्छा अंदर की तरफ प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करना है, अब घोड़ा अपने आप आगे चलेगा जी। तो ये कॉन्टेक्ट में रखना है इसको, अब आपको जैसे उस तरफ घुमाना है तो आपको ये वाला रेन खींचना है, इस तरफ घुमाना है ये वाला रेन खींचना है, और प्रेस हल्का हल्का करना है ठीक। ओके तो वापस हल्का सा प्रेस करो और इस तरफ घुमा लो, इस तरफ घुमा लो, इस तरफ घुमाओ, नहीं नहीं ये यहाँ हाथ में ये रखो, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा पकड़ो, हल्का सा प्रेस, हाँ चेस्ट अप, तो सर फर्स्ट गियर आपने सीख ली जी? बिल्कुल, ये मेरी फर्स्ट इच्छा है, मैं पहली बार घोड़ा चला रहा हूँ इसको इधर उधर मोड़ना रोकना तो मैंने सीख ही लिया है, और कितनी अच्छी वॉक चल रही है सर। इस चाल का नाम है वॉक जी सर, चार वो चालें होती है, वॉक, ट्रॉट, कैंटर एंड गैलप, ये चार चाल होती है जो घोड़ा चलता है जी। वॉक के अंदर जो आप चला रहे हो वो वॉक, अपन जॉगिंग करते हैं वो होता है ट्रॉट, अपन थोड़ा सा और स्पीड में बोलते हैं उसे कैंटर, एंड हम शूट लगाते हैं उसे बोलते हैं गैलप। तो जैसे बेसिक तो ये वॉक से ही स्टार्ट होता है? हाँ, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, अभी जैसे आप फर्स्ट टाइम जैसे आप राइडिंग कर रहे हो तो हम आपको 5 मिनट तक इसको वॉक करवाएंगे जी जी, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे आपको है ना धीरे धीरे ट्रॉट करवाएंगे चालू करेंगे, आपको सिखाएंगे उसके बारे में कि ट्रॉट कैसे करते हैं, किस पैर पे करते हैं, और उस ट्रॉट के अंदर आपको अपने को सीट कैसे देनी, बैलेंस कैसे करना है अपने आपको तरीका। ये तो नहीं, यही है आपको ये तो पहन के रखना है जी। अपन को जैसे अपन जैसे बाइक से उतरते हैं पूरा पैर खोल के जी, तो वैसे आपको उतरना है, डरना नहीं है, आराम से इस पैर को आप निकालोगे ठीक है, और आराम से उस पैर पे वेट दे देना, उस वाले पैर पे वेट दे देना, चलो पूरा खुल के जाने दो,
तो गाइज ये थी मेरी हॉर्स राइडिंग और मैंने पहली बार घोड़ा चलाया अपनी लाइफ में और काफ़ी अच्छा भैया ने मुझे ट्रेन किया था और तो आपने देखा मैंने कितने अच्छे से घोड़ा चला लिया है। तो आप भी ये हॉर्स राइडिंग सीख सकते हैं, मुझे काफ़ी मज़ा आया है। और ये एकेडमी की जो लोकेशन है वो अपने मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ के जो नंबर है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए और भैया के पास आइए, हॉर्स राइडिंग सीखिए और अपना करियर इसमें बनाइए आप। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स की जानकारी के साथ। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी गेन होता है और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर मैं लेके आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, धन्यवाद।